किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपको स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं एक पिग फार्म पे आया हूं। यहां पे मेरे साथ विशाल जी हैं, ये मिर्जापुर के चौखड़ा गांव में हैं। एक कुछ छोटा सा फार्म है, इन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। जो लगभग यहाँ पर 6 पिग हैं, तो 5-6 महीने का क्या अनुभव रहा, कैसे स्टार्ट करने का विचार आया और क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे स्टार्ट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में विशाल जी से जानेंगे। तो चलिए आपको देर न करते हुए मिलवाते हैं विशाल जी से। सर आपका स्वागत है चैनल पे। जी सर जी नमस्कार, आपके सारे व्यूवर्स को भी नमस्कार। सर अपने बारे में बताइए थोड़ा सा किसान भाइयों जी को। मैं विशाल कुमार सिंह जी, मिर्जापुर चौखड़ा से जी। तो सर आपके ये पिग फार्मिंग स्टार्ट करने का विचार कहाँ से आया आपको? जी सर जी देखिए, इतिहास तो बहुत लंबा है, बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में बताते हैं। पहले जो अपना सरकारी वाला मिलता है ना, बैकवर्ड वाला, वो मैं फार्म भरा था। अच्छा। तो हमको 3 फीमेल और 1 मेल मिले थे। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो मैंने पहले ये पक्का नहीं था। हाँ। कच्चे में स्टार्ट किया था, नीचे पत्थर था। हाँ। जुगाड़ वाला काम किया था, उस पर स्टार्ट किया था मैंने। हाँ। हाँ। तो जब मैं उनको फीड पे प्रॉपर रखा तो ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हमको समझ में आया कि नहीं है, मतलब करना चाहिए। तो फिर प्रॉपर उसको मैं हटा दिया, पूरा सेल कर दिया। अच्छा। उसके बाद प्रॉपर पूरा सेट तैयार किया अपना छोटा सा। हाँ। और सेट तैयार करने के बाद मैं 6 बच्चे लाया था। हाँ। 5 फीमेल और 1 मेल के साथ। अच्छा। लाके स्टार्ट किया हूँ जो है। आपके सामने है, तो जो है फार्म पे यही सब आप लाए थे? जी बिल्कुल। तो कब से स्टार्ट किया, कब लाए थे उन सबको? जी 6 जनवरी। अच्छा। 2022 लगभग 5-6 महीने हुआ आपको? जी जी जी। तो शुरू में क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना खर्च हुआ? देखिए जो हम बच्चे पे इन्वेस्ट किए थे वो लगभग हमारे 18,000 का बच्चे आ गए थे, मेल फीमेल सब लेते हुए। अच्छा। और उसके बाद प्रॉपर हमारा ड्राई फील्ड पे फार्म है। अच्छा। तो मैं पहले से मतलब स्टॉक अपना बना के चला था, मक्का वगैरह जो भी रॉ मटेरियल है। हाँ। मैं पहले ही स्टॉक कर लिया था। ठीक है। अभी हमारा लगभग जो अभी तक का मतलब सेटअप को छोड़ के जो मतलब फीड का बात करें तो उसमें लगभग 70,000 रुपए, लगभग कुछ माल हम डंप भी किए हैं, 70,000 लगभग अभी लगा दिए हैं हम। सेटअप में कितना खर्चा जी, अगर इसका पूरा देखा जाए तो इसमें हमको फुल जानकारी नहीं था, कुछ हमारी गलतियां हुई। अच्छा। इसको देखते हुए। हाँ। लगभग समथिंग 1.25 लाख के लगभग पूरा मतलब सब कुछ लेते हुए, मतलब नीचे RCC है, ऊपर शेड है, सीमेंटेड चादर। हाँ। सब लोहे पे, मतलब लोहे का लगा हुआ है, शेड में लगा है। हाँ। और 70,000 में फिर। हाँ, पीक। हाँ, और आपका राशन जो होगा। हाँ। तो आप शुरुआत में अभी तक का मैं बता रहा हूँ, अभी तक का 6 महीने का। हाँ। है। तो शुरुआत में कुछ ट्रेनिंग किए थे? जी जी जी, मैं इज्जत नगर बरेली से ट्रेनिंग लिया था, ICR से। हाँ। वहाँ से ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था मैं। ऑनलाइन लिए थे जी। ठीक है। तो आप जो भी 5-6 महीने से कर रहे हैं, तो बच्चे कितने मंथ के लाए थे जब जन्म लाए थे? जी मैं उस समय लाया था तो 42 दिन के बच्चे थे। अच्छा। 6 जनवरी को जब लाया था। हाँ, उसके पहले उसमें 42 दिन के हो गए। हाँ, थे। हो गए थे 6 जनवरी। अच्छा। को तो क्या बच्चे क्या रेट मिले थे? जी बच्चे 3,000 में मिला था। हाँ। मेरा जो फीमेल है। हाँ। वो 3,000 का समथिंग 12 से 15 kg। हाँ। और जो मेल था। हाँ। वो मैं लिया था 3,500 में हमको दिए थे। अच्छा। और उसका वेट ज्यादा था। अच्छा। वो 20 kg के लगभग था। तो अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है इस समय यहाँ पे? जी देखिए जो हमारा मेल है। हाँ। अपना ये यॉर्कशायर है। हाँ। और फीमेल लैंड्रेस है। अच्छा। तो अभी 5-6 महीने जब स्टार्ट किए थे जनवरी में, जी तो शुरुआत में कौन सी चुनौतियाँ, कौन सी परेशानियाँ सामने आई आपको? जी जी सर जी देखिए, अभी मतलब बायो सिक्योरिटी बोले तो बहुत मतलब आपके सामने फिनाइल का वो डब्बा रखा हुआ है, मैं फिनाइल का हर हफ्ते स्प्रे करता हूँ। अच्छा। बीच बीच में बीटाडीन। अच्छा। बीटाडीन का स्प्रे करता रहा हूँ। हाँ। अभी तक हमें किसी चुनौतियों का सामना नहीं करना। अच्छा। पड़ा। तो इसमें ट्रेनिंग काम आया या फिर? जी बहुत, अभी मतलब अगर कोई फार्मर भाई स्टार्ट कर रहा है तो ट्रेनिंग मतलब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। मतलब स्टार्ट करने से पहले तब पर भी मतलब कुछ छूट गया हमसे, कुछ लापरवाही हुआ है। हाँ। लेकिन जो आगे चल के धीरे धीरे मेंटेन करेंगे उसको। अच्छा। हाँ। तो आपका ये फीडिंग प्लान क्या रहता है इन सबका, क्या क्या फीड में देते हैं, कितने टाइम देते हैं? देखिए जी, देखिए फीडिंग प्लान जो है ना, जब हम लाए थे तो स्टार्टर मतलब स्टार्टर पे स्टार्ट किए थे, क्योंकि बच्चे हमारे 15-20 kg के थे। हाँ। तो स्टार्टर पे स्टार्ट किए थे। तो हाँ। इसमें हम होममेड फीड। अच्छा। मतलब अपना खुद का फीड बनाते हैं। अच्छा। कुछ मेडिसिन लेके। हाँ। अपना फीड बनाते हैं, मक्का, सोया, DRB, मतलब सब कुछ मिला के बनाते हैं अपना खुद का फीड। ठीक है। तो अभी आपको क्या प्लान है, आगे कैसे स्पेंड करना, कैसे बढ़ाना है? जी जी जी
जी सर जी, हमको अभी तो हम स्टार्ट किए हैं। देखिए, हम बहुत छोटे स्तर का किसान हैं। हाँ। तो मतलब इतना हमारे पास पूंजी नहीं है कि मैं इकट्ठा लगा दूं। तो धीरे धीरे अभी जो आगे का टारगेट है, धीरे धीरे इसी से निकालेंगे, कुछ घर से लगाएंगे। हाँ। दोनों तरफ से खींच तान के आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे इसी से निकाल निकाल के कुछ घर से कुछ घर से घर से लगाएंगे। लगाएंगे, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं आपका, कुछ 6 महीने क्या अनुभव रहा है, जी जी बताइए। जी सर जी, देखिए बीमारी का बात करें तो अभी मतलब हम बायो सिक्योरिटी इतना टाइट कर रखते हैं, मतलब हर हफ्ते मतलब फिनाइल का स्प्रे करते हैं, बीच में बीटाडीन का स्प्रे कर देते हैं। तो अभी तक तो हमारे हिसाब से कोई नहीं है, लेकिन मतलब जो हमें बताया गया है, जैसे FMD और स्वाइन फीवर, मतलब वैक्सीन कर देना चाहिए इस समय से। अच्छा। लेकिन अभी हमारे यहाँ देखिए 2-4 बच्चों के लिए लोकल में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो हम किए भी नहीं है, और मतलब जब से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होंगे हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि ला नहीं सकते हम। हाँ, महंगा पड़ता है। हाँ, महंगा तो कोई खास नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे दूर से लाने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। मतलब आसपास मिलता नहीं कहीं। हाँ, पे दूसरा ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बाहर से लेके आना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो अभी आपके सर पिग है 7 महीने तो हो गए हैं ना, तो 7 महीने हो गए हैं जी। तो फिर कब से प्रेग्नेंट होंगे? जी देखिए, हमारा जो टारगेट है ना, ये टारगेट है जो अपना 33 हफ्ते, मतलब लगभग 8-9 मंथ के बाद ही हमारा टारगेट है क्रॉस कराने का, जो कि लगभग 1 क्विंटल 20-25 किलो हो जाने के बाद। अच्छा, तभी क्या वेट है लोग का? अभी जो वेट है लगभग 95 kg से 80 kg के बीच। अच्छा, में बैठे पहुंच गए। हाँ, मतलब 2 महीने बाद लगभग। 2 महीने नहीं, समथिंग अगले महीने तक, अगले महीने जुलाई में। हाँ, वही टारगेट ही है। अच्छा, तो चाहिए लोग क्रॉस होने के बाद कितने मंथ बच्चे देती हैं? जी अगर मोटी मोटा देखा जाए तो 4 मंथ। अच्छा, लेकिन 114 से 116 दिन में बच्चे लगभग दे देती हैं। अच्छा, 114 से 116 दिन। हाँ, ठीक है। एक बार में कितने बच्चे लगभग एवरेज देंगे, क्या उम्मीद है आपको? देखिए सर जी, इसमें होता क्या है, जैसे लोग 60 kg या 50 kg पे फर्स्ट टाइमर को क्रॉस करा देते हैं। हाँ। उसमें लोग ये नहीं देखते हैं, मतलब जो मादा है उसी हिसाब से बच्चे देगी। हाँ। तो उसका कैपेसिटी भी होना चाहिए ना। तो 50-60 kg पे क्रॉस न करा के अगर आप 1 क्विंटल प्लस पे क्रॉस करा रहे हैं, तो अभी तक जो हमें मतलब जानकारी मिला है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, लगभग 15-16 बच्चे मिनिमम एक औसत आना चाहिए। अच्छा, 15-16 बच्चे औसत। हाँ, यदि वेट उनका अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छा रहे, उस टाइम क्रॉस कराएंगे तब। हाँ, अगर वेट का बात करें, अगर जब आपकी मादा डिलीवरी देती है उस टाइम वेट का लगभग 800 से 1200 ग्राम के बीच में लगभग वेट आना चाहिए। अच्छा, बच्चों का। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और तो आपको वीडियो देख कर नया किसान भाई स्टार्ट करना चाहे जी, तो लगभग कितना इन्वेस्ट करें, कितना सेड पे खर्चा करें, कितना पिक पे खर्चा करें, और कितने पिक से स्टार्ट करें? देखिए सर जी, अगर बताना चाहे तो अपने इंडिया में जुगाड़बाजी बहुत ज्यादा चलती। हाँ। है, क्योंकि हम जुगाड़ से ही पहले पाल चुके हैं, और उसको पाल के मतलब ऐसे समझिए जीरो लागत पे हमने स्टार्ट किया था। हाँ। हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल भी गए थे 4 बच्चे। अच्छा, जो कि मतलब हम जो आप ये मेरा सेड में खर्च देख रहे हैं, एक कुछ भी नहीं था मेरा, मतलब मिट्टी का घर था। हाँ। नीचे पत्थर था, सफेद पत्थर जो पटिया बोलते हैं। हाँ, अपने भाषा में। हाँ। उसको नीचे बिछा के मतलब कुछ जुगाड़बाजी करके, मतलब आपके पास रेलिंग का व्यवस्था नहीं है तो मैं बांस बल्ली का व्यवस्था करके। अच्छा। कुछ उस हिसाब से जुगाड़ करके मैंने भी स्टार्ट किया था जीरो लागत से। ठीक है। जो कि आज आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं हम। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि देखिए आज के डेट में क्या नहीं हो सकता अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन प्रॉपर इच्छा होना चाहिए, हमें करना है तो करना है, टारगेट होना चाहिए कि आगे एक करना है। तो इसको देखते हुए अगर आप टारगेट एक गोल बना के चलते हैं तो आगे आप लो बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग आपका 2 लाख मान लीजिए सेट पे, 2 लाख नहीं समथिंग पौने 2 लाख। हाँ। और वहीं 18,000 पिक लेने में। हाँ, मान लीजिए 2 लाख मिला के अभी तक टोटल 70,000 उधर है, पीक फीट सब मिला कुछ मिला के। ठीक है, उसके बाद पौने 2 लाख सेट पे। सेट का साइज क्या है आपका? जी सर जी, हमारा सेट का साइज है 22x32 का। अच्छा, तो जो स्टार्ट करें बच्चे लेके आया या प्रेग्नेंट पीक लेके आया, कैसा पीक लेके आया? मैं बच्चे लेके आया था, बच्चे लेके आया था, इसलिए लेके आया था बच्चे क्योंकि हमें देखिए इतना मतलब हम पुराने फार्मर नहीं है, हमको जानकारी अच्छी तरीके कितना भी जानकारी हो जाए लेकिन जानकारी कमी होती है। तो इतना भी जानकारी नहीं था कि मैं पर्सनल अनुभव पर पाल सकूं, इसके लिए मैं बच्चों का चयन किया क्योंकि अगर छोटे रहेंगे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसका सामना भी कर सकते हैं, अगर नुकसान भी होगा तो कम नुकसान होगा,
अगर ये प्रेग्नेंट मादा लेके आते, अगर कहीं हमारा नुकसान हो जाता तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता, क्योंकि हम छोटे फार्मर हैं। नहीं नहीं भैया, तो अनुभव नहीं है। हाँ, और छोटे भी फार्मर है ना, अगर हमारा एक फीमेल भी नुकसान हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे लिए। हमारे लिए ठीक है, क्योंकि छोटे फार्मर है तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे। जी ठीक है, तो अभी आपका जो 5 पिग है यहाँ पे जी, जो मादा है जी, इनसे आपका क्या अनुभव है, कितना इनकम हो जाएगा आगे चल के? जी देखिए, अभी इनकम का तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये पिग हैं, आने वाले समय में अभी ये 10 का भी एवरेज दे सकते हैं और 8 का भी दे सकते हैं, 12 का भी दे सकते हैं, वो तो एवरेज पे आएगा जब ये मतलब बच्चे देंगे, डिलीवरी होगा उसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद समथिंग देखेंगे क्या एवरेज आता है, मिनिमम 10 के तो जो 10 का एवरेज हम मान के चलेंगे। हाँ, 10 का तो मान के इनकम हो जाएगा लगभग। देखिए अगर बच्चे निकल जाते हैं, अगर बच्चे निकल जाते हैं तो अपना सीधा सीधा फंडा है, तो कोई ज्यादा तो बचेगा नहीं। अगर आप फैटनर में तैयार करते हैं तो वही समथिंग आपका एक फैटनर तैयार करने में, अभी इस समय के महंगाई के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं मक्का सोया सब कुछ महंगा हो गया है, मेडिसिन वगैरह, तो लगभग 7,500-8,000 रुपये खर्च आएगा एक फीट को, अरे एक पिक को तैयार करने में, एक कुंटल समथिंग। ठीक है, तो अगर अभी आज के मार्केट से देखा जाए तो 130-135 रुपये पर केजी जो मार्केट चल रहा है, तो अगर आपका अगर 12,500-13,000 में 14,000 में अगर सेल हो रहा है तो समथिंग 7,500-8,000 आपका खर्च भी आ रहा है। हाँ जी, 60% मतलब आपका लागत आ जाएगा सब कुछ देखते हुए। अभी तो हम अपने हाथ से मैनेजमेंट कर ले रहे हैं, अगर आप वर्कर रखते हैं तो उसका भी देखना है। हाँ, 60% आपका खर्च आ जाएगा, 40% मुनाफा है। लगभग 5,000 मांग के चलने की बच जाएगा। हाँ, एक पर। हाँ, उतना तो कंपलसरी, एक पिक से 50,000 बच सकता है। हाँ जी, सब कुछ ठीक रहा, अच्छे से फार्म चलता रहा जी, तो एक 10 का एवरेज रहे हमारा जी, तो एक पिक से 50,000 बच जा रहा है जी, बिल्कुल। लेकिन हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे जो हम झेल चुके हैं। देखिए होता क्या है, किसान भाई के पास जो बजट होता है, बजट का 3 हिस्सा कर ले, अपने बजट का 3 हिस्सा कर ले। अगर आप जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं, आपके पास बजट कम है और आप 18-20-15 बच्चे उठा लाए, आपको शुरुआती दौर में तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रेगनेंसी तक भी दिक्कत नहीं होगा, आप झेल ले जाएंगे। आपको दिक्कत कब झेलना पड़ेगा, जब आपकी जो मादाएं हैं, जो आपकी डिलीवरी होगी, उस समय आपको खर्चे बढ़ेंगे। अच्छा, उस समय एक होता क्या है, जो छोटे किसान भाई होते हैं, मतलब कि उनके अंदर जुनून हो जाता है कि नहीं करना है करना है। आधा तो सेट के ऊपर खर्चा कर देते हैं, आधा फीड और बच्चे लाने में खर्चा कर देते हैं, और कैसे भी मतलब इधर उधर से खींच तान के प्रेगनेंसी तक झेल ले जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो उनको खिलाने के लिए नहीं बचता है। अच्छा, तो फीडिंग का खर्चा बढ़ जाता है। हाँ, फीडिंग का, इसमें जो आपका 50% लग रहा है वो फीडिंग पे ही तो जा रहा है ना सर जी, तो इसके लिए फीडिंग का मतलब आप प्रॉपर उसको पहले से एक मतलब मेंटेन करके चलिए डायरी में कि इतना हमको पहले से मतलब डिवर पे चलना है, क्योंकि आगे भी हमको देखना है, नहीं तो बजट बना के चले। हाँ, बजट बना के चलना है, नहीं तो किसान लगभग 60% इसी में टूटते हैं। इसको मतलब ध्यान में रखने वाली बात का ध्यान नहीं देते फ्यूचर के लिए, तो उसी में बजट खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो सर लास्ट सवाल, आपका मार्केटिंग का क्या सोच है, मार्केटिंग कैसे करना है इसको? जी सर जी, जो हमारा मार्केटिंग चलेगा, देखिए अभी तो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम देखेंगे, अगर अभी अपना उतना लिंक नहीं है, क्योंकि हम नए फार्मर हैं, तो अगर बच्चे निकलेंगे तो निकालेंगे, अगर नहीं निकालते हैं मतलब जैसे नहीं निकल पाते हैं बच्चे हमारे, तो हम इनको फैटनर के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी फ्यूचर में हमारा प्लान है, प्लाट खाली है आगे, उधर प्लाट बनाएंगे, लगभग अपना जनवरी फरवरी में अगले साल काम लगेगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद भैया जी, मंत्री साहब।